हेलो बच्चों, आज हम लेके आए आपके लिए ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम। तो ये फ्रिक्शन का पार्ट थ्री है और इसके लिए जरूरी है कि आप पार्ट टू तो चाहो तो छोड़ दो, पर पार्ट वन जरूर देख लो, जिसमें मैंने स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन को डेप्थ में समझाया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को मैंने डेप्थ में समझाया है। तो यूट्यूब पे टाइप करना है फ्रिक्शन 01 फिजिक्स वाला और आपको क्लियर मीनिंग समझ में आ जाएगी कि कब फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन रखनी है, कब म्यू के एन रखनी है और कब फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। चलिए आज बात करते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम पे। और ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम बड़ा ही ट्रिकी, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, नीचे वाले ब्लॉक को मैंने किसी फोर्स से खींचा। दो पॉसिबिलिटी हैं, पहली कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के साथ साथ चले, यानी दोनों का एस्केलरेशन सेम हो, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव ना करें, साथ साथ चले, साथ 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 साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैंने नीचे वाले ब्लॉक को काफी तेजी से खींच लिया, जब ज्यादा तेजी से खींचूंगा तो नीचे वाला ब्लॉक आगे बढ़ेगा और ऊपर वाला ब्लॉक गिर जाएगा, या ऊपर वाला ब्लॉक इतनी तेज एस्केलरेट नहीं कर पाएगा जितनी तेज नीचे वाला। मतलब ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम का जो पॉपुलर क्वेश्चन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो ये पूछते हैं वो हमसे कि कितनी फोर्स पे दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, और दूसरा वो हमसे ये पूछते हैं कि दोनों ब्लॉक्स की एस्केलरेशन क्या क्या होगी, दोनों की एस्केलरेशन सेम होगी कि डिफरेंट। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं इसमें एक एक चीज क्लियर करूंगा कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई फ्रिक्शन के ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम की और मैं ये टॉपिक काफी टाइम से नहीं ले रहा था क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में ये चीज समझाना थोड़ा सा ट्रिकी है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक, मैं आपको गारंटी देता हूं इस ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम के वीडियो को आप इंटरनेट पर कहीं भी कंपेयर करना, सबसे बेस्ट निकल के आएगा, आई गारंटी यू दिस। क्योंकि कोचिंग में समझाना बहुत इजी होता है, बच्चा क्वेश्चन पूछता है वापस रिप्लाई करना। तो देखो ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम में शॉर्ट में बात करते हैं कि सब लोग के पास अपने अपने तरीके होते हैं, हर टीचर अपना एक मेथड बनाता है ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम का। तो मैं अपने मेथड से आपको बता रहा हूं, किसी और का मेथड मैं कॉपी नहीं करूंगा। आप इस मेथड को देखो और गारंटी देता हूं इस मेथड से सारे सवाल सॉल्व होंगे। चलो भाई शुरू करते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम। माय नेम इज अलख पांडे, चैनल इज फिजिक्स वाला एंड आज का टॉपिक है फ्रिक्शन 03 ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम। मैं कम से कम आपको 8-10 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हर तरह के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन में। ब्लॉक ऑन ब्लॉक तो होता क्या था कि इसमें एक ब्लॉक ऊपर होता है, एक ब्लॉक नीचे होता है और यहां पे सरफेस होता है। मान लेते हैं ये ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक M2 है। M1 और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशियंट μ1, M2 और M1 के बीच में फ्रिक्शन कोफिशियंट μ2। यहां पे भी फ्रिक्शन है, यहां पे भी फ्रिक्शन है। अब मानो मैंने M1 को F4 से खींचा, M2 को भी खींच सकता हूं, तब भी कहानियां बनेंगी। अभी M1 को F4 से खींचा, जब M1 को मैं छोटी फोर्स से खींचूंगा, छोटी फोर्स से, तो M1 आगे बढ़ेगा। M2 पे कौन सी फोर्स लग रही? M2 पे कोई फोर्स नहीं लग रही, M1 पे लग रही है फोर्स F। तो M1 आगे बढ़ेगा, M2 पीछे छूट रहा होगा, पर M1 M2 के बीच में है फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू अपोज रिलेटिव मोशन। जैसे ही M1 आगे बढ़ेगा उसे M2 पीछे छूटता हुआ दिखेगा और M1 M2 को पकड़ के आगे खींच लेगा फ्रिक्शन से। M1 जैसे ही आगे बढ़ेगा उसे दिखेगा M2 पीछे जा रहा, तो फ्रिक्शन इनके बीच का M2 को पकड़ के आगे खींच देगा कि दोनों साथ में रहे। ठीक है, हमने यहां पे लगाने वाली फोर्स को बढ़ा दिया, हमने और ज्यादा फोर्स से खींचा, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन की फोर्स भी एडजस्ट हुई, वो भी बढ़ गई। हमने ये फोर्स बहुत बढ़ा दी, अब फ्रिक्शन के फोर्स की एक लिमिट होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको खींच रहा था, हमने यहां की फोर्स बढ़ा दी। अब भाई इस फोर्स की तो एक लिमिट है ना फ्रिक्शन की, इस फोर्स की कोई लिमिट नहीं हम लगा रहे, यानी इस ब्लॉक को अगर हम बहुत कस के खींचें, बहुत तेज खींचें, तो ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ये ब्लॉक उतनी तेज आगे नहीं आ पाएगा और तब दोनों साथ में नहीं चलेंगे। तो दो कंडीशन है, पहली कि फ्रिक्शन इसका एस्केलरेशन इतना दे कि इसका एस्केलरेशन भी उतना ही हो, तब दोनों साथ में चलेंगे। दूसरी, ये फोर्स इतनी ज्यादा हो, नीचे वाले का एस्केलरेशन इतना ज्यादा हो
कि ऊपर वाले का एस्केलेशन उसको मैच नहीं कर पाए, तो दोनों साथ में नहीं चलेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल आए, सबसे पहला डिसीजन जो आपको बनाना है वो ये कि क्या दोनों साथ में चलेंगे या दोनों साथ में नहीं चलेंगे। और उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, आपको पता लगाना है कि दोनों साथ में चलेंगे कि नहीं। ये चीज डिपेंड करती है एफ की वैल्यू पे। एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो दोनों साथ में नहीं चलेंगे, कम होगी तो साथ में चलेंगे। तो एफ की वो कौन सी वैल्यू है जहां से ये कहानी खत्म होती है, मतलब एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आप समझ ही रहे हो, एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो नीचे वाला खिसक के आगे बढ़ जाएगा। तो हम एफ की वो वैल्यू निकाल लें जहां तक दोनों साथ में चल सकते हैं, उससे ज्यादा फोर्स लगाने पे दोनों साथ में नहीं चलेंगे। तो हम वो एफ फाइंड करेंगे, मैक्सिमम एफ की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए दोनों कैसे चलें, साथ साथ चलें, टुगेदर चलें, जिसके लिए दोनों टुगेदर चलें। ठीक है, अब इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी और कुछ नहीं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आप फाइंड करिए एफ लिमिटिंग यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन बोथ ब्लॉक्स या ऑन बोथ सरफेसेस कह लो। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां लगेगा, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां, आप उसकी वैल्यू फाइंड करिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ एन। ठीक, अब जैसे इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा तो ध्यान से देखो, ये एम टू और ये सरफेस एम वन वाला। ठीक है, यहां से नीचे कितनी फोर्स लग रही होगी, एम टू जी, और एम वन का सरफेस एम टू पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। चलिए इस नॉर्मल रिएक्शन को एन टू बोल देते हैं, क्योंकि M2 ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो M2 किसके इक्वल होगा, M2G। यानी इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, M2 टाइम्स ऑफ G, सिंपल। यहां का नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं इस सरफेस का, इस सरफेस पे टोटल कितना वेट ऐड कर रहा, टोटल वेट ऐड कर रहा M1 प्लस M2 इंटू G। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कितना लगेगा, मैंने बोला चलो N1, तो N1 किसके बराबर होगा, M1 प्लस M2 इंटू जी। यानी इस जगह का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा M1 प्लस M2 इंटू जी। यहां पे टोटल वेट लग रहा तो नॉर्मल रिएक्शन M1 प्लस M2 जी, और यहां का नॉर्मल रिएक्शन होगा बच्चों M2 टाइम्स ऑफ जी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ एन, इस सरफेस पे भी और इस सरफेस पे भी। क्लियर, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालना है, क्लियर। यहां पे M2G कर दो और यहां पे M1 प्लस M2G, और निकाल लो लिमिटिंग फ्रिक्शन कि मैक्सिमम फ्रिक्शन दोनों सरफेस पे कितना कितना हो सकता है। अच्छा, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, उस ब्लॉक पे जाओ जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, है ना। सर्च दैट ब्लॉक विच ओनली हैज फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा ब्लॉक चुनो अब इन दोनों में से जिसके पास सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है और कोई फोर्स नहीं, तो M2 है। जब M1 आगे बढ़ेगा M2 पीछे छूट रहा होगा तो फ्रिक्शन उसको आगे खींचेगा। ठीक, तो ऐसा ब्लॉक ढूंढ लिया जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा। अब इस ब्लॉक के पास ज्यादा कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन की फोर्स है और जिसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब इस ब्लॉक का एस्केलेशन लिमिटेड है। इस पे लगने वाली मैक्सिमम फोर्स कौन सी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिफाइंड है। अगर नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के अंदर हुआ तब दोनों साथ में चलेंगे, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो साथ में नहीं चलेंगे। बस यही लॉजिक लगानी है, क्या मेरी बात समझ में आई। अच्छा, फाइंड ए मैक्स ऑफ दिस ब्लॉक, क्या समझ में आया मैंने क्या बोला, वो ब्लॉक ढूंढो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा, जैसे यहां पे M2 वो ब्लॉक है, और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। कैसे निकालोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा जब इस पे, तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अगर नीचे वाले एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर हुआ तो दोनों साथ में चलेंगे, कम हुआ तो भी साथ में चल सकते हैं, पर अगर इसका एक्सेलरेशन इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन से भी ज्यादा तब दोनों साथ में नहीं। थर्ड, यूज दिस A max in second block, second या other block बोल लो, है ना, in other block, जो block बचा था उसमें ये acceleration use करो, and find F max
for together motion. यही a max यहां वाला, अब इसकी equation में डाल दो. ठीक है, अब इसकी equation में वही a max डाल दोगे तो पता चल जाएगा कि कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जब तक दोनों साथ साथ चले. इसकी मैक्सिमम एस्केलेरेशन की एक लिमिट है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन दे सकता है. इसकी एस्केलेरेशन अगर उतनी हुई तो दोनों साथ में चलेंगे, इसकी एस्केलेरेशन उससे कम हुई तो भी दोनों साथ में चलेंगे. क्यों? क्योंकि यहां का फ्रिक्शन कम तो हो सकता है, यहां का फ्रिक्शन कम तो हो सकता है पर लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकता. तो प्रोसेस याद रखो, अभी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है. मैंने जो उतना हो सकता था डिटेल में समझाया, अभी क्वेश्चन करते करते और डिटेलिंग में आएगा. उससे पहले आप इस पूरे तरीके से समझिए. सबसे पहले आपको पॉइंट करना है फाइंड एफ लिमिटिंग ऑन बोथ सर्फेसेस. इट विल बी वेरी क्लियर, डोंट वरी. अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत क्लियर होगा. एफ लिमिटिंग दोनों सर्फेसेस पे म्यू एन करके निकाल लो. यहां का एन एम टू जी, यहां का एन एम वन प्लस एम टू जी. फिर सच दैट ब्लॉक विच ओनली हैज फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों में से सिर्फ फ्रिक्शन किस पे लग रहा, इस पे. तो इसके पास एक्सेलरेशन की एक लिमिटिंग वैल्यू होगी क्योंकि फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है. तो आप एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, उस लिमिटिंग वैल्यू को यहां पे डाल दो, इससे फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए दोनों साथ साथ चले. जब तक इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तभी तक तो दोनों साथ साथ चलेंगे. और इसका मैक्सिमम एस्केलेरेशन निकाल के इसमें यूज कर लिया. हमने बोला यहां तक की एस्केलेरेशन में दोनों साथ हैं, मतलब यहां तक की फोर्स में दोनों साथ हैं. क्लियर है? इसके बाद आपको चेक करना होगा कि जो गिवन फोर्स है वो एफ मैक्स से बड़ी है या छोटी है. ये सब करेंगे हम. अभी यहां तक समझ में आया? चलिए, प्रोसेस समझ में आया. एफ लिमिटिंग निकालो, वो ब्लॉक दूर जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन है उसका एस्केलेरेशन निकालो, उस एस्केलेरेशन को दूसरे ब्लॉक में रखो और एफ मैक्स निकालो. चलो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं. क्लियर? कंसेप्ट भी बताने की कोशिश की मैंने, अब न्यूमेरिकल्स के थ्रू कंसेप्ट समझाता हूं. ठीक है, तो ये सवाल बहुत आता भी है ना. जैसे हम से मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर. यहां हमें दो ब्लॉक दिए, एक है 5 केजी का, एक है 10 केजी का. यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और यहां पे फोर्स लग रही एफ. अब हमसे पूछा है इस एफ की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है जब तक दोनों साथ साथ चले. अगर एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो 10 वाला आगे निकल जाएगा और 5 वाला डुक 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 पीछे रह जाएगा. So you want to find the maximum value of f जिसके लिए दोनों क्या करें, move together करें. तो भाई इसको start करते हैं. Step number one क्या थी, limiting friction निकालने की. तो सबसे पहले दोनों पे क्या निकालो, limiting friction. चलो यहां का म्यू है 0, यहां पे ये आगे जाना चाहता है तो इन surfaces के बीच में friction पीछे लगेगा क्योंकि ये block इस surface के respect में आगे जा रहा. यहां पे f limiting कितना हो जाएगा, 0. एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू टाइम्स ऑफ एन, और यहां म्यू की वैल्यू 0. तो चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम छोड़ दिए. 5 केजी पे आइए. अब जब ये 10 केजी आगे बढ़ेगा तो 5 केजी पीछे छूट रहा होगा. फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन. जब 10 केजी आगे बढ़ेगा तो 5 केजी को देखेगा पीछे जा रहा, पीछे जा रहा, तो उसको पकड़ के आगे खींचेगा फ्रिक्शन से. फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन. 10 केजी आगे बढ़ेगा, 5 केजी पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहेगा कि तुम भी हमारे साथ आगे आओ. तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ लिमिटिंग इन दोनों सरफेस के बीच का. ठीक है, यहां पे लगेगा एफ लिमिटिंग. ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ एन. अब यहां का नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों सरफेस के बीच का हमने बताया आपको, एम टू इंटू जी. ठीक है, लगा दीजिए 0.2 इंटू 5 इंटू जी की वैल्यू 10. तो इस पे लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10. अब क्या करना था, सेकंड स्टेप, वो ब्लॉक ढूंढो जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा. इस पे तो फोर्स एफ एक्ट कर रही, इस पे सिर्फ फ्रिक्शन. तो 5 केजी वो ब्लॉक है जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन, तो उस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा लिया कितना, 10. ये मैक्सिमम फोर्स है जो इस पे लग सकती है, इस पे और कोई फोर्स नहीं लग सकती. मतलब जो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले सकता है वो है 10/5 फोर्स बाय मास, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब अगर नीचे वाले का एस्केलरेशन
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ तो दोनों साथ चलेंगे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम हुआ तो भी दोनों साथ चल सकते हैं, परेशान नहीं होना, तो भी साथ चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की ये लिमिटिंग वैल्यू है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कम कर लेगा कि चलो साथ साथ चले। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, वो चाहेगा साथ साथ चले। एनीवेज, स्टेप नंबर 3, इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को आप अगले ब्लॉक में यूज करो। तो ये मैंने 10 kg का ब्लॉक बनाया, आगे की तरफ फोर्स F लग रही, यहां पे जीरो लग रही, एक फोर्स और लगेगी। जब ये 10 kg आगे बढ़ेगा, जब ये 10 kg आगे बढ़ेगा तो 5 kg को दिखेगा 10 kg आगे जा रहा, तो 5 kg 10 kg को पकड़ के पीछे खींचेगा। इनके बीच में फ्रिक्शन है कि नहीं है? जैसे ही 10 kg 5 kg से ऐसे आगे निकल रहा तो 5 kg 10 kg को पीछे की तरफ पुल करेगा। तो इसके ऊपर भी एक F लिमिटिंग हम मान लेते हैं। इन सरफेस के बीच का कितना था? 10, तो यहां पे 10, तो एक फोर्स पीछे और लगेगी 10। एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2। किस चीज के लिए? मूव टुगेदर के लिए। अब इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे? आगे की तरफ F माइनस पीछे की तरफ 10, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 10 इनटू 2 20, F इज इक्वल्स टू 30, F max इज इक्वल्स टू 30। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ मूव्स टुगेदर। हमसे पूछा था F की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों साथ में चले, ये रही। F की वैल्यू इससे छोटी होगी, दोनों साथ में चलेंगे। कैसे चलेंगे? F की वैल्यू इससे छोटी, इसका एक्सेलरेशन कम, इसका एक्सेलरेशन कम तो इस पर फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम लग जाएगा स्टैटिक वाला, इसका एक्सेलरेशन भी कम और दोनों चलेंगे साथ में। सो यहां पे आंसर होगा कि F इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 30। ये कंडीशन हुई किसकी? फॉर टू ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर। प्रोसीजर समझ में आ गया? पक्के से नोट करें इसको, फिर देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। आओ इसी थीम पे देखें अगला सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं इसी थीम पे दे रहा हूं पर उसको सॉल्व आप खुद करेंगे, थोड़े से चेंजेस कर देता हूं। क्वेश्चन फिर से, फाइंड एफ मैक्सिमम सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। सवाल वही है, मैक्सिमम एफ निकालिए जिसके लिए दोनों साथ साथ चले, उससे ज्यादा एफ लगाने पे साथ में नहीं चलेंगे। थोड़ी सी कहानी चेंज करूंगा, ये 5 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक, म्यू का वैल्यू वही रख दूं 0.2, यहां म्यू की वैल्यू मैंने कर दी 0। सवाल को आसान बनाने के लिए अब फोर्स लगा दी ऊपर वाले ब्लॉक पे, अब की बार फोर्स लगा दी ऊपर वाले ब्लॉक पे। अगर ऊपर वाले ब्लॉक को धीमे धीमे खींचोगे, अगर ऊपर वाले ब्लॉक को धीमे धीमे खींचोगे तो जैसे ही ऊपर वाला आगे आएगा 10 kg पीछे छूट रहा होगा, तो ऊपर वाले को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। फ्रिक्शन कहेगा 10 kg भी हमारे साथ में चलो, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो वो कोशिश करेगा कि 10 kg को भी साथ में ले चले। ठीक है, यानी 10 kg पे जो फोर्स आगे ले जाने के लिए बनी है वो है फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, तुमने अप्लाई की हुई फोर्स को बढ़ाया, तुमने बढ़ाया कि चलो 5 kg को और तेज ले चले, 5 kg जा रहा, 10 kg पीछे छूट रहा, उसने कहा तुम आगे चलो, आगे ले जाने के लिए फोर्स दी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फोर्स उसने थोड़ी बढ़ा ली, सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, तुमने अपनी फोर्स और बढ़ाई पर फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है, तुमने अपनी फोर्स बहुत बढ़ा ली पर इस पे 10 kg को बढ़ाने वाली फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन वो ना बढ़ पाई, बढ़ पाई, और जब वो नहीं बढ़ पाएगी तो दोनों ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे। 10 kg धीमे धीमे चलेगा, 5 kg तेज तेज, मतलब कहीं एक फोर्स एफ आएगी जिसके बाद दोनों सेपरेट मोशन करेंगे, वो निकालना है। तो कंसेप्ट बता रहा था मैं, चलिए शुरू करते हैं। तरीका वही है, सबसे पहले दोनों पे क्या निकालो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। 5 kg को आगे खींचोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा लगेगा? पीछे, इसके रिस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहा तो F लिमिटिंग पीछे की तरफ, डायरेक्शन भी ध्यान देना, 5 kg 10 के रिस्पेक्ट में कहां भाग रहा? आगे, तो 10 kg उसे फ्रिक्शन किधर देगा? पीछे। म्यू टाइम्स ऑफ n, यहां नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? m2g 5g 0.2 into 5 into 10, ये कैंसिल, 2 5 जा 10, 10 न्यूटन की फोर्स पीछे। अच्छा, फिर इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस सरफेस पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? अभी भी 0, क्योंकि म्यू की वैल्यू ही 0 है। अच्छा, जब 5 kg आगे भागेगा तो 10 kg पीछे छूटेगा, तो 5 kg 10 kg को पकड़ के भी आगे लाएगा, मतलब 10 kg पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इन दो सरफेस की वजह से वो आगे, वो कितनी होगी? 10। इनके बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना? 10।
फाइव पे पीछे लगेगा, टेन पे आगे, क्योंकि फाइव आगे जाएगा तो टेन पीछे छूट रहा होगा, तो टेन को भी वो आगे खींचेगा। अब वो ब्लॉक ढूंढो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है तो वो रहा टेन वाला, वो ब्लॉक ढूंढो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है तो वो है टेन वाला। आगे की तरफ एक फोर्स लग रही है एफ लिमिटिंग टेन, और पीछे की तरफ फोर्स यहाँ पे जीरो है, तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, यानी टेन वाले पे लगने वाली मैक्सिमम फोर्स डिफाइंड है, टेन वाले को इससे ज्यादा फोर्स नहीं मिल सकती, यानी इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, दैट इज 1 m/s². अगर ऊपर वाला इस एक्सेलरेशन तक आएगा तो दोनों साथ में चलेंगे, पर अगर ऊपर एक एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ तो इसकी औकात नहीं है 1 m/s² को क्रॉस करने की, क्योंकि इसके पास कोई फोर्स नहीं है, इस बेचारे के पास सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब इस एक्सेलरेशन को यूज करो अदर ब्लॉक पे, अदर ब्लॉक कौन सा है 5 kg, आगे की तरफ एक वेरिएबल फोर्स एफ, पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन 10, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना हो सकता है 1 m/s². इक्वेशन क्या बनेगी, आगे की तरफ नेट फोर्स F माइनस 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू कितना आया 15। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर टुगेदर मोशन, इससे कम फोर्स लगाओगे तो भी साथ में चलेंगे, इतनी फोर्स लगाओगे तो भी साथ में चलेंगे, इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो साथ में भैया नहीं चलेंगे। क्लियर, चलिए यहां तक तो बातें समझ में आ गई कि कैसे F निकालना है जहां तक दोनों ब्लॉक साथ में चले। अब मैं सवाल वो दूंगा जिसमें फोर्स गिवन होगी, एफ नहीं, फोर्स गिवन होगी, और पूछेगा दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, यहां पे फोर्स की वैल्यू गिवन हो। जैसे मान लो इसी सवाल में मैं बोलता यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, कितना 10 न्यूटन का, अब बताओ दोनों साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्योंकि तुमको पता है 15 तक साथ में चल रहे हैं, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम निकालोगे, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों साथ में चल रहे हैं। रिलेटिव मोशन अगर नहीं होगा तो उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ फ्रिक्शन। मान लो मैं इस पे फोर्स लगाऊं 20 न्यूटन, क्या दोनों साथ में चलेंगे, नहीं चलेंगे, फोर्स इससे ज्यादा हो गई, ये तेजी तेजी से भागेगा, ये धीमे धीमे भागेगा, एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। समझो कंसेप्ट, समझो मिशन, ये नहीं गिरट लिया, ये तेज तेज भागेगा, ये धीमे धीमे, एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, बिल्कुल होगा, रिलेटिव मोशन हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दिया है तो लिमिटिंग लगा देते हैं हम, है ना, कई बार म्यू के की वैल्यू नहीं दी देती तो हम म्यू एस यूज कर देते हैं। समझ में आया, कुछ नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया, और सवाल देखो, इसी में सवाल बनाते हैं, इसी क्वेश्चन में यहां तक आ चुके थे, इसी क्वेश्चन में आपको मैं आगे सवाल बढ़ा देता हूं, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास पहले से इसमें सारी हैं, तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अभी वैल्यूज चेंज करेंगे, है ना, ठीक है, अभी यहां भी म्यू लेके आ जाएंगे, फिर सवाल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे। मैं बोलता हूं यहां लगने वाली फोर्स है 10 न्यूटन, अब आपसे कहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, शायद सेम हो शायद अलग अलग हो, हमें नहीं पता, तो इस सवाल की आप एनालिसिस पहले करो, जब भी ये सवाल आए सबसे पहले क्या कर लो, एनालिसिस। एनालिसिस से आपको पता है मैक्सिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए, 15, दोनों के साथ साथ चलने के लिए, वो तरीका आपको सिखा दिया हमने, इस 10 को यहां से हटा देना, इसकी जगह एक फोर्स एफ इमेजिन करना और निकालना एफ की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए साथ साथ चले। अब क्योंकि फोर्स 10 है, 15 से कम है, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं, तो पहला कंक्लूजन तो तुम यहां पे बोलो कि बोथ मूव्स टुगेदर, इससे तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बोथ मूव्स टुगेदर। अब भैया बोथ मूव्स टुगेदर तो नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन ही नहीं हो रहा इनके बीच में, दोनों साथ साथ चल रहे, फिर भी फ्रिक्शन तो होगा, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं होगा, ये कैसे चलेगा, इसको चलाने वाली फोर्स ही कौन है, फ्रिक्शन, ये आगे बढ़ेगा ये पीछे छूट रहा होगा तो इसको चलाएगा फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कुछ मत बोलना एफ, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल होती थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन होता है, तो हमने वैल्यू ले ली एफ। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, बोथ मूव्स टुगेदर एक्सेलरेशन इज सेम, बस खत्म,
सवाल खत्म भैया, सवाल खत्म। आओ एफबीडी बनाओ 5 kg का, आगे की तरफ फोर्स 10, जब ये आगे भागेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे, कितना म्यू एन, नहीं म्यू एन नहीं लगाओगे क्योंकि अभी कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। क्यों स्टैटिक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी एफ। एस्केलरेशन मान लो इसका आगे ए, इक्वेशन बोलो 10 - 5, सॉरी इक्वेशन बोलो, आगे की तरफ फोर्स कितनी हुई 10 - f इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलरेशन 5 है। 10 kg का एफबीडी बनाते हैं, ये रहा 10 kg, जब 5 kg आगे बढ़ेगा तो 10 kg पीछे छूट रहा होगा, तो 5 kg पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा कौन सा, स्टैटिक, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। एस्केलरेशन दोनों का सेम है क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि फोर्स 15 से छोटी है। इक्वेशन बोलो एफ इज इक्वल्स टू 10a, यहां लिख सकता हूं एफ इज इक्वल्स टू 10a, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एफ से एफ मर गया, 10 इज इक्वल्स टू 15a, यहां से एस्केलरेशन की वैल्यू मिल गई 10/15। एस्केलरेशन की वैल्यू मिली हमें 10/15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2/3 m/s². और दोनों का एस्केलरेशन सेम होगा। ऐसे सवालों में तुमसे अच्छा सवाल ये पूछ लेगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। अब बच्चा क्या करेगा, म्यू एन लगा देगा, फ्रिक्शन से क्या समझते हैं बच्चे, म्यू एन, म्यू एस एन, म्यू के एन लगा के सवाल खत्म। जबकि यहां फ्रिक्शन ना म्यू के एन है ना म्यू एस एन है, यहां स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू वेरिएबल है। और ये तुमको तभी समझ में आएगा जब तुम ये एफ निकालोगे, तुम्हें समझ में आएगा दोनों साथ चल रहे हैं कि नहीं, और तब डिसीजन लोगे कि हाँ भाई स्टैटिक फ्रिक्शन था जिसकी वैल्यू वेरिएबल है। यहां से निकाल सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 × 2/3, दैट विल बी द आंसर। अगर कोई फ्रिक्शन पूछे 10 × 2/3, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं आया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा कितना आ रहा था म्यू एन, 10 आ रहा था ना, ये 10 नहीं आएगा, 10 × 2/3, 10 × 2 = 20, फ्रिक्शन कितना आएगा, और यहीं पे देखो फ्रिक्शन 10a, 10 × 2/3, 10 × 2 = 20, 20/3, 6.666 आ रहा है, और तुम लिखाओगे 10, गलत हो जाएगा। क्लियर है, एक सैंपल सवाल था ये बस, है ना। इसी सैंपल सवाल पे मैं एक वेरिएशन और करता हूं, फिर आपको एक सवाल दूंगा जो पूरा आप सॉल्व करोगे। इसी सैंपल सवाल पे एक वेरिएशन और करता हूं, सेम वैल्यू वही रखते हैं, ठीक है, वही वैल्यू एकदम सेम रखते हैं कि ये 5 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक, यहां म्यू की वैल्यू 0.2, यहां म्यू की वैल्यू 0.1, और हमने यहां पे फोर्स लगाई सपोजिटली 50 N की। अब सबसे पहले डिसीजन पूछा वही है, एस्केलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, और ये भी कर लेते हैं, एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो इतना समझ लो, फ्रिक्शन तुरंत म्यू एन मत लिख देना, सोचना पड़ेगा। चलो भाई, तो अब सोचें क्या किया जाए, क्या किया जाए, पहले तो पता लगाओ कि दोनों साथ में चलेंगे कि अलग अलग। कैसे पता लगाओगे, वही प्रोसीजर, इस पे एफ लिमिटिंग, इस पे एफ लिमिटिंग, फिर उस बॉडी को ढूंढो जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा, फिर उसका एस्केलरेशन निकाल के इसमें रखो, फिर एफ मैक्स। तो एफ मैक्स हम देख चुके हैं, इसका कैलकुलेट किया था हमने, इस डायग्राम का कितना आ रहा था 15। अब देखो जो अप्लाइड फोर्स है वो 15 से ज्यादा है, 50 N, मतलब दोनों साथ में अब नहीं चल सकते, 15 से कम होती, 15 कौन सी फोर्स थी, बोथ मूव्स टुगेदर की, बोथ मूव्स टुगेदर की मैक्सिमम फोर्स थी, और अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा हो गई, मतलब अब दोनों साथ में नहीं चलेंगे। सो पहला जो आपको कंक्लूजन मिला वो मिला बोथ मूव्स सेपरेटली। अब दोनों अलग अलग चलेंगे तो बच्चों, तो बच्चों दोनों के बीच में होगा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, ये तेज भागेगा ये धीमे भागेगा, क्योंकि इस पे लगने वाली फोर्स बहुत ज्यादा है, इस पे लगने वाली फोर्स डिफाइंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा फोर्स इसको नहीं मिल सकती, इसे खींचने वाली फोर्स कौन है, सिर्फ लिमिटिंग, उसकी तो एक औकात है, इसके पास बहुत भयानक फोर्स मिली है, रिलेटिव मोशन होगा बच्चों, तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन आएगा, इनके बीच में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब दो बॉडी के बीच में इन रिलेटिव मोशन होता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक, चलने वाला फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की बच्चों वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के एन, म्यू के एन। अब यहां एक ही म्यू दिया है तो वही म्यू एस वही म्यू के मान लो, अगर दो म्यू दे रहा होता तो म्यू के को यूज करते, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। चलो भाई आते हैं 5 केजी पे, आगे भाग रहा फ्रिक्शन डेफिनेटली, पीछे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना म्यू के इनटू एन। तो यहां मैंने 5 केजी बनाया, आगे की तरफ फोर्स 50, पीछे की तरफ म्यू के इनटू एन, यहां का नॉर्मल रिएक्शन 5g, म्यू की वैल्यू 0.2,
तो 0.2 into 5 into g की वैल्यू 10, ये हमारा 2 5 10। यहाँ एक ही म्यू दिया था, वही म्यू एस वही म्यू के बना, अगर अलग अलग दिया होता तो यहाँ पे म्यू के यूज करते। एस्केलेशन इसका मान लो ए, नेट फोर्स आगे की तरफ 50 - 10, मास कितना 5 इज इक्वल टू एस्केलेशन, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स कितनी हुई 50 - 10/5, कितना हुआ 40/5, दैट इज 8 m/s² 40/5 8 m/s² इसका एस्केलेशन। अब 10 kg पे आओ, अब क्योंकि मोशन हो रहा है दोनों के बीच में, डिसीजन कैसे लिया फोर्स देख के, यानी जैसे ही 5 kg आगे बढ़ेगा 10 kg पीछे छूटेगा, 5 kg उसे आगे खींचेगा, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और काइनेटिक फ्रिक्शन की इनके बीच की वैल्यू कितनी आई है 10, तो यहां भी वैल्यू 10। इसका एस्केलेशन मैंने बोला ए डैश, ए डैश इज इक्वल टू 10/10, फोर्स अपॉन मास कितना आया 1 m/s². देख लो दोनों का एस्केलेशन डिफरेंट, इसका एस्केलेशन ज्यादा, इसका एस्केलेशन कम, क्योंकि इसके एस्केलेशन की एक आखिरी वैल्यू होगी। अगर ऊपर वाले का एस्केलेशन 1 होता या 1 से कम होता तब काम चल जाता, अब काम नहीं चलेगा। ऊपर वाले का एस्केलेशन बहुत ज्यादा है 8 m/s², इसका एस्केलेशन 1 m/s². क्लियर है? तो जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले तो आपको वो फोर्स निकालनी है जो एक बैरियर है, उस फोर्स से ज्यादा फोर्स, तो ये केस दोनों अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे रिलेटिव मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एस्केलेशन अलग अलग, उस फोर्स से कम फोर्स दोनों साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे नो रिलेटिव फोर्स मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू एफ, और दोनों का एस्केलेशन सेम। बहुत बढ़िया, तो मुझे लगता है आपको एक कंसेप्ट बहुत प्यार से समझ में आया है, मैं अब आपको इस पे सवाल देने जा रहा हूं। तो भाइयों और बहनों दिलों को थाम के रखें क्योंकि आपके सामने आने वाला है अगला सवाल। तो भैया जी अगला सवाल आप खुद से करेंगे, फाइंड एस्केलेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड ऑल्सो फ्रिक्शन बिटवीन देम। चलो तो 5 kg 10 kg, क्या प्यार है सर आपको इस वगैरह से, ऐसे ही अभी और करा दूंगा सवाल, पहले इसको झेलो। तो चेंज कर दिया मैंने, फोर्स लगा दी नीचे वाले पे, मैंने फोर्स लगा दी नीचे वाले पे, अब क्या करोगे, 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 बोलो 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 बोलो, अब क्या किया जाए। अब हमें वो मैक्सिमम फोर्स निकालनी चाहिए सबसे पहले जिसके लिए दोनों साथ साथ चलेंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि साथ चल रहे हैं कि अलग। तो काम करो थोड़ी देर के लिए ये वाली फोर्स को हटा के यहाँ पे लिख लो कि अप्लाइड फोर्स 10 है, और यहाँ पे एक वेरिएबल एफ मान लो, हम वो फोर्स निकाल लेंगे जो हमारी बैरियर बनेगी और देखेंगे 10 उससे छोटी है या बड़ी। जल्दी से बैरियर निकालने का तरीका क्या है, दोनों पे लिमिटिंग निकालो, ये आगे भागेगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना लगेगा 0, ये आगे भागेगा 5 kg इसे पीछे खींचेगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू टाइम्स ऑफ एन, 0.2 × 5 × 10, तो कितना आएगा ये 10। ये आगे भागेगा 5 kg पीछे छूट रहा होगा, तो ये 5 kg को पकड़ के आगे खींचेगा, जब ये आगे जाएगा तो 5 kg पीछे छूटेगा, तो ये 5 kg को पकड़ के आगे, तो 5 kg पे इधर F लिमिटिंग कितना 10। अब इन दोनों में से वो ब्लॉक ढूंढो जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा 5 kg, तो 5 kg पे सिर्फ फ्रिक्शन F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे मैक्सिमम एस्केलेशन 5 kg का कितना हो जाएगा 10/5, कितना हुआ 2 m/s². अब ये एस्केलेशन उठा के 10 kg पे रख देंगे, भाई अब समझ में आ रहा है, पीछे की तरफ फोर्स 10 और एस्केलेशन मैक्सिमम कितना 2 m/s², इक्वेशन बनेगी F माइनस 10 नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एस्केलेशन, एफ की वैल्यू कितनी आई 30, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच दे बोथ मूव टुगेदर। अगर यहां लगने वाली फोर्स 30 या 30 से कम हुई तो दोनों साथ में चलेंगे, और फोर्स कितनी लग रही है 10, यानी फोर्स 10 देखते ही आप समझ गए कि दोनों कैसे चलेंगे, साथ में चलेंगे। इस केस का आपने एफ मैक्स निकाल लिया 30, अब आप श्योर हो गए कि फोर्स जो लग रही है वो 10 है। ये किस लिए होता है एफ मैक्स, कि कब तक दोनों साथ चलेंगे, इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये खिसक जाएगा, इसका एस्केलेशन ज्यादा हो जाएगा, इसका एस्केलेशन की लिमिटिंग वैल्यू है, इसको ये क्रॉस नहीं कर सकता, पर अभी तो फोर्स बहुत कम है, फोर्स बहुत कम है तो सिंस फोर्स इज लेस देन 30,
सिंस इट इज लेस देन 30 वापस सवाल पे आ जाते हैं और इन सबको मिटा देते हैं जो एजम्पशन माने थे हमने निकालने के लिए एफ मैक्स को उसको मैं मिटा दूं ओके ओके सिंस फोर्स इज लेस देन 30 हेंस नो रिलेटिव मोशन कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा है ना मतलब बोथ मूव्स टुगेदर बोथ मूव्स टुगेदर दोनों कैसे चलेंगे साथ साथ चलेंगे क्योंकि लगने वाली फोर्स मैक्सिमम फोर्स से कम है बोथ मूव्स टुगेदर तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा बोथ मूव्स टुगेदर तो फ्रिक्शन कौन सा होगा फ्रिक्शन स्टैटिक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है एफ वेरिएबल है चलो भाई स्टार्ट करें अब इसको चलो ये आगे बढ़ेगा 10 kg 5 kg इसे पीछे खींचेगा विद अ फोर्स एफ 10 kg आगे भागेगा तो 5 kg पीछे छूटेगा तो 10 kg 5 kg को आगे खींचेगा विद फोर्स एफ 5 kg का एफबीडी बनाओ ये 5 kg फ्रिक्शन आगे पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन का आप जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा नहीं है 30 फोर्स लगती तब लिमिटिंग लगाते अभी उसका जरूरत नहीं स्टैटिक से काम चल जाएगा एक्सेलरेशन ए इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू 5a 10 kg का एफबीडी 10 kg पे आगे की तरफ कितनी फोर्स है 10 दी हुई है इस बार पीछे की तरफ एफ एक्सेलरेशन ए इक्वेशन बोलो नेट फोर्स आगे की तरफ कितनी हुई 10 माइनस एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू ए जोड़ दो एफ से एफ मर गया 10 इज इक्वल्स टू 15 ए यहां से यू कैन गेट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 बाई 15 दैट इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगेन और क्या पूछा था फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना है 5a तो f इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2/3 5 × 2 = 10 10/3 तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 3.33 न्यूटन और अभी बच्चा यहां पे फ्रिक्शन म्यूएन से अगर निकालता म्यूएन से अगर निकालता तो 10 आंसर लिखा था जबकि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है स्टैटिक दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ सच ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन पहले आपको मैक्सिमम फोर्स निकालनी ही पड़ेगी जब तक दोनों साथ साथ चल रहे हो चलिए तो इसी सबको करते हुए हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं जिसको अब आप खुद से सॉल्व करेंगे क्लियर है अगर अच्छा ये फोर्स 40 होती तो क्या करते यहीं पे इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार कर लिया जाए पक्के से भाई यही सवाल लगते हैं फोर्स को 40 कर लेते हैं तैयार है क्या आप नोट्स ले रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स चलो इसी सवाल को फिर से करते हैं कि यदि ये फोर्स 40 हो जाती तो क्या होता जो अप्लाइड फोर्स थी वो 40 हो जाती तो क्या कहानी बनती चलो अगर अप्लाइड फोर्स 40 होती तो सबसे पहले आप 40 को हटाते यहां साइड में लिखते आप क्या फाइंड करने निकल जाते आप एफ मैक्स फाइंड करने निकल जाते जिसमें दोनों साथ साथ चलेंगे दोनों पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फिर वो ब्लॉक ढूंढो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन उसका एक्सेलरेशन उठा के दूसरे पे रखो और एफ मैक्स की वैल्यू निकालो एफ मैक्स निकालते 30 आया 30 तक दोनों मूव टुगेदर हैं मूव टुगेदर और जो अप्लाइड फोर्स है वो उससे ज्यादा है 40 मतलब ये फोर्स जो 40 है वो एफ मैक्स से ज्यादा हो गई मतलब दोनों साथ में नहीं चलेंगे तो मूव सेपरेटली अब भैया मूव सेपरेटली है मतलब ये तेज चलेगा ये धीमे अच्छा तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा अच्छा मूव सेपरेटली है मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है क्या स्टार्ट हो गया है रिलेटिव मोशन दो ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन तो कौन सा फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत बढ़िया काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इन टू एन बस नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आ जाओ 10 kg पे आओ 10 kg आगे भागेगा तो 5 kg इसे पीछे खींचेगा विद काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन यहां पे एन की वैल्यू 0.2 इंटू 5 इंटू जी 0.2 इंटू 5 इंटू 10 तो वापस आएगी 10 वैल्यू तो 10 kg का एफबीडी तो तैयार हो गया ये रहा 10 kg आगे की तरफ 40 पीछे की तरफ 10 एक्सेलरेशन इसका मान लो ए ए इज इक्वल्स टू नेट फोर्स 40 - 10 अपॉन मास एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास तो कितना हो गया 3 m/s² इसका एक्सेलरेशन 3 m/s² 5 kg जैसे ही 10 kg आगे बढ़ेगा 5 kg पीछे छूटेगा इसे आगे खींचेगा फ्रिक्शन क्योंकि अब दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आई है 10 तो 5 kg का यहां एफबीडी बना लो बड़ा आसान है यार अब 5 kg पे लगने वाली फोर्स कितनी है 10
एस्केलरेशन ए डैश बोल दो 10/5 कितना है 2 m/s2। तो इसका एस्केलरेशन 2 m/s2, इसका एस्केलरेशन 3 m/s2, जो कि सोचा था ये तेज भाग रहा और ये धीमे। तो चलिए भाई क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और आपको देते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आप खुद से सॉल्व करोगे। अब तक कंसेप्ट तो आपको आ ही गया होगा। भाई आपको अगला सवाल हम दे रहे हैं और उसमें अब दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन होगा। तो नेक्स्ट सवाल जो हम आपको दे रहे हैं भाई, वैल्यू यही रखते हैं 5, 10, इसी पे खेलिए। वैल्यू रखी 5, यहां वैल्यू रखी 10, बहुत बढ़िया। और भाई साहब यहां म्यू की वैल्यू रखी मैंने 0.1, यहां म्यू की वैल्यू रखी मैंने 0.2, और यहां फोर्स लगाई मैंने 10 N की और पूछा एस्केलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। सवाल वही है, फाइंड एस्केलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ठीक है। और इसी सवाल को हम लोग एक बार ऐसे सॉल्व करेंगे, इसी सवाल को हम लोग एक बार ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे सेम वैल्यूज के साथ, और फोर्स की वैल्यू मैं चेंज करके कर दूंगा 25। और इसी सवाल को हम लोग तीसरी बार सॉल्व करेंगे सेम वैल्यूज के साथ, और फोर्स की वैल्यू को मैं कर दूंगा 50। ठीक है, तीन बार हमें सॉल्व करना है, एक बार 10 से, एक बार 25 से, एक बार 50 से, और हर बार रिजल्ट अलग अलग आएगा, ये तो आपको पता है। चलिए देखते हैं। तो भाई शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इस 10 को तो मैं साइड में हटा लूं, क्योंकि सीधा बता पाना कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स क्या होगा पॉसिबल नहीं है। सीधे हम कैसे बताएं, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा, हमें कुछ नहीं पता, दोनों साथ में चल रहे अलग चल रहे, कुछ नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, अपनी इस फोर्स को ऊपर लिख लेते हैं और यहां पे एक फोर्स एफ बना लेते हैं, और वो बैरियर निकालते हैं जिसके इस तरफ जाने पर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और कम रखने पे फोर्स दोनों साथ साथ चलेंगे। तो प्रोसीजर क्या था, एफ लिमिटिंग। इस बार देखो यहां पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, एफ लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इस पे टोटल वेट रख रहा 10+5 वाला, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 10+5 15g वाला। सो 0.1 × 15 × 10 ये मर गया, एफ लिमिटिंग आया 15। ठीक, तो यहां पे एफ लिमिटिंग 15, यहां का नॉर्मल रिएक्शन दोनों को मिला के पूरा भार आ रहा है सरफेस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों को संभाल रहा है। अच्छा, फिर जब ये 10 आगे बढ़ेगा तो 5 इसे पीछे खींचेगा, 5 इसे पीछे खींचा, एफ लिमिटिंग इस सरफेस का म्यू एन 0.2, और यहां का एन 5g 0.2 × 5 × 10 0.2 × 5 × 10 ये मर गया 2 × 5 = 10, यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 10 किसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है 10। 5 की बात करें, जब 10 आगे बढ़ेगा तो 5 पीछे छूटेगा, तो 10 5 को आगे खींचेगा विथ एफ लिमिटिंग, और इनके बीच का लिमिटिंग कितना है 10। अब उस ब्लॉक को ढूंढो जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा 5 kg, ये रहा 5 kg, इस पे सिर्फ लग रहा फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू 10, यहां से एस्केलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका 10/5 2 m/s2। इसके एस्केलरेशन की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास कोई और फोर्स तो है नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स है, और वो मैक्सिमम कितनी हो सकती थी 10 हो गई, तो एस्केलरेशन इतना। नीचे वाले ब्लॉक का एस्केलरेशन इससे ज्यादा हो गया तो दोनों साथ में नहीं चलेंगे, इतना हुआ तो साथ में चलेंगे, इससे कम हुआ तो भी साथ में चल सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम होकर स्टैटिक में आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाले ब्लॉक को बनाते हैं 10, फोर्स एफ, और यही एस्केलरेशन मैक्स यहां यूज करेंगे, मैक्सिमम एस्केलरेशन इज 2 m/s2। लगने वाली फोर्सेस, एक तो लिमिटिंग इधर से 15, एक ऊपर से 10, इस बार दो फोर्सेस आ गई, एक यहां से फ्रिक्शन, एक यहां से फ्रिक्शन। अब बोलो एफ माइनस 10 माइनस 15, नेट फोर्स आगे की तरफ, एफ माइनस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलरेशन, तो ये हुआ 25 और वो 20, तो एफ इज इक्वल टू 25 और ये 20 कितना हुआ 45। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स जब तक बोथ मूव्स टुगेदर। इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो नीचे वाला तेज भागने लगेगा, ऊपर वाला का फ्रिक्शन इतना नहीं है कि इससे ज्यादा एस्केलरेशन दे पाए,
इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो इसका एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा होगा, पर ऊपर वाला 2 से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं ले पाएगा. ठीक, तो हम समझ गए. इफ f इज लेस देन इक्वल टू 45 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन बोथ मूव्स टुगेदर. सही है? सोचो सही है? सोचो. मैं आपको देता हूं टाइम 30 सेकंड का. सोचो भाई, क्या ये बात 100% सही है? नहीं, ये बात 100% सही नहीं है. रीजन क्या है बच्चों? इस बार एक कंडीशन और आएगी. चलो यहां तक तो समझ में आ गया. एक कंडीशन और आएगी. नीचे वाले ब्लॉक को चलाने के लिए आपको ये फ्रिक्शन क्रॉस करना पड़ेगा. जैसे मान लो इस पे मैंने फोर्स लगाई 2 न्यूटन की, तो ये दोनों ब्लॉक नहीं चलेंगे क्योंकि इनके बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन इस बार 0 नहीं है, 15 है. हर बार ये म्यू में 0 ले रहा था, इस बार इस म्यू की भी वैल्यू है. अगर मैं यहां पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये मूव ही नहीं करेंगे क्योंकि इन सरफेस के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 है. जब तक लिमिटिंग को क्रॉस नहीं करो तब तक मोशन नहीं होता. ये चलेगा ही नहीं, इसके ऊपर तुम खींचोगे स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा पीछे, ये रुका रहेगा. तुमने लगाई 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन रुका रहा, तुमने लगाई 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन रुका रहा, 12 न्यूटन रुका रहा, 15 न्यूटन रुका रहा, 15.1 चल पड़ेगा. इन सरफेस के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 है, मतलब एफ की मिनिमम वैल्यू 15 से ज्यादा हो तब मोशन स्टार्ट होगा. 15 तक तो मोशन ही नहीं होगा, 15 तक तो मोशन ही नहीं होगा. तो यहां पे 0 की जगह क्या लिखूंगा मैं? 15. 15 से लेके 45 तक बोथ मूव्स टुगेदर, 15 तक तो मोशन ही नहीं है. इफ एफ इज लेस देन इक्वल टू 15 बोथ स्टेज एट रेस्ट. बोथ स्टेज एट रेस्ट, चलेंगे ही नहीं भाई. 15 से छोटा होगा तो ये लिमिटिंग रोक के रखेगा दोनों को. एफ इज लेस देन इक्वल टू 15 बोथ स्टेज एट, 15 से 45 के बीच में बोथ मूव्स टुगेदर, 15 के बाद तो मोशन स्टार्ट हुआ, 15 तक तो हिल ही नहीं रहे थे दोनों, और 45 से भी बड़ी हुई, सो बोथ मूव्स सेपरेटली. इफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 बोथ मूव्स सेपरेटली. ठीक है भाई साहब? ठीक है. इनको मिटा के ये सारी कंडीशन मैं साइड में लिख दूं, जो जो हमने डिस्कवर कर लिया. अभी हमने क्या क्या डिस्कवर किया कि इफ एफ इज लेस देन इक्वल टू 15 तो नो मोशन. ठीक है, इक्वल टू 15 पे भी मोशन जस्ट होने वाला होगा. इफ एफ इज ग्रेटर देन 15 तब मोशन स्टार्ट होगा. लेस देन इक्वल टू 45 देन बोथ मूव्स टुगेदर, एंड इफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 बोथ मूव्स सेपरेटली. यहां तक तो इक्वल टू यही रहेगा क्योंकि लिमिटिंग केस है, साथ साथ चलेंगे. लिमिटिंग से ज्यादा करोगे तो आगे, बोथ मूव्स सेपरेटली. अब सवाल पे आ जाते हैं. हमसे सवाल क्या कह रहा था, बाकी चीजें मिटाते हैं. ठीक है, वापस आते हैं. सवाल ने हमसे क्या कहा था? सवाल ने कहा था कि 5 kg का ब्लॉक है और भाई साहब 10 kg का ब्लॉक है और भाई साहब यहां म्यू की वैल्यू 0.2 है, यहां म्यू की वैल्यू 0.1 है और यहां पे लगने वाली यहां पे लगने वाली फोर्स है 10. बस अब तो सारी एनालिसिस हो चुकी है. जो लगने वाली फोर्स है वो 15 से छोटी है, मतलब नो मोशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक बोथ इज 0. जो अभी गिवन क्वेश्चन था उसमें दोनों मोशन नहीं करेंगे. यहां 10 लगेगा, यहां नीचे क्या आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? म्यू टाइम्स ऑफ एन. नॉर्मल रिएक्शन 10+5 15 का g, 10+5 पूरा यहां लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन 15 g, तो 0.1 इंटू 15 इंटू 10 मर गया 15. तो इसको पीछे रोकने वाली मैक्सिमम फोर्स 15 है, 15 से ज्यादा लगाओगे तब मोशन होगा, यानी इस केस में नो मोशन एट ऑल. फिर हमने सेकंड केस कहा था कि फोर्स को बढ़ा के 25 कर लेंगे, तो फोर्स को बढ़ा के 25 कर लिया. अब एनालिसिस करेंगे 5, 10. मान लो एग्जाम में सवाल डायरेक्टली आ जाए तो क्या करोगे? मान लो सवाल ये रहा एग्जाम का, ये लिख के आया है, तो सबसे पहले क्या करोगे? इस 25 को यहां से हटा देना, इसकी जगह एफ लगा लेना और कंडीशन निकालना. फिर उसके बाद 25 को देखना कहां पे फॉल करता है. 25 इसमें फॉल कर रहा है बोथ मूव्स टुगेदर में, पहले एफ लगा लेना, मैक्सिमम फोर्स निकल आएगी जब तक साथ में चलेंगे, निकाल लेना कब नहीं चलेंगे, किसके ऊपर अलग अलग चलेंगे. 25 में क्या है? बोथ मूव्स टुगेदर. तो हम कहेंगे कि 25 वाले, जब एफ की वैल्यू 25 है तो बोथ मूव्स
टुगेदर भैया टुगेदर चलेंगे तो एक्सेलरेशन सेम होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन इनके बीच में नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ होगी। कर सकते हैं आप सवाल, 10 वाला आगे बढ़ेगा। अच्छा यहां पे लिमिटिंग होगा, पर कुछ चीजों का कंसेप्ट गलत मत करना, इस सरफेस पे लिमिटिंग होगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ये चल ही रहा है। तो 10 केजी वाले को देखते हैं, ये रहा 10 केजी, यहां फोर्स 25, यहां पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा, क्यों, क्योंकि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में तो बढ़ रहा है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां का कितना होगा, म्यू टाइम्स ऑफ 15g, कितना आ रहा था 15, और यहां पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हमने कह दिया एफ। जब 10 आगे बढ़ा 5 ने इसको पीछे खींचा, एक्सेलरेशन हो गया ए, 25 माइनस 15 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर 5 के जी पे आओ, जब 10 आगे बढ़ेगा 5 पीछे छूटेगा, तो इसे आगे कौन खींचेगा, फ्रिक्शन। तो 5 के जी का अगर मैं एफ डी बनाऊं, कहां बनाऊं यहां बना लेता हूं, ये रहा ए, तो F is equals to mass into acceleration, F is equals to mass into acceleration, दोनों को जोड़ देंगे, F से F मर गया, 25 minus 15 is 10, 10 is equals to 15 A, यहां से acceleration की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बटे 15, which is 5 to the 10, 5 to the 15, 2 by 3 meter per second square, 25 के केस में जो acceleration आएगी, वो 2 by 3 meter per second square, क्या सही बोल रहा हूं, 25 minus 15, which is 10, 2, 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
5 टाइम्स ऑफ ए. अच्छा, तीसरी कंडीशन इसी मैंने आपको दी थी लास्ट, क्या कि अगर गिवन फोर्स चेंज करके हमसे बोल दे है 50 न्यूटन. मान लो एग्जाम में ये सवाल आपके सामने लिखा है साफ साफ, तो आप क्या करोगे, आपसे पूछा एक्सेलरेशन निकालो, तो आपको कोई आइडिया नहीं है, दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, रुके हुए हैं. तो पहले आप इसको हटा के यहां पे एफ लगा लो, फिर जो मैंने तरीका बताया है उससे आप एफ मैक्स निकालो, फिर अब मैच करा लो कहां पे जा रहा है ये 45 से बड़ा 50, एफ की वैल्यू 50, 45 से बड़ी, बोथ मूव सेपरेटली, बोथ मूव सेपरेटली, सेपरेटली चलेंगे भैया, तो एक्सेलरेशन होगा डिफरेंट, इनके बीच में होगा रिलेटिव मोशन. और बच्चों जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक, जिसकी वैल्यू होगी म्यू के इनटू एन. एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट. चलो 10 केजी को बनाते हैं, ये रहा 10 केजी, आगे की तरफ 50, यहां पे फ्रिक्शन तो 15 क्योंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है इसके रिस्पेक्ट में, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू एन, म्यू एक ही है तो वही रख दो, अगर म्यू एस म्यू के होता तो यहां पे म्यू के रखते, ध्यान देता, ध्यान देना इसे, यहां पे म्यू के रखते, म्यू के कितना है 0.2 इनटू 5 इनटू जी, तो कितना आएगा 10. एक्सेलरेशन इसका ए 50 माइनस 10 माइनस 15 डिवाइड बाई 10, ये होगा इसका एक्सेलरेशन. नेट फोर्स 50 माइनस 10 माइनस 15 अपॉन मास, तो कितना हो गया 25 माइनस 10 40, 40 माइनस 15 25 बाई 10 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसका एक्सेलरेशन 10 केजी का. फिर किसका निकालना है 5 केजी का. जब ये आगे बढ़ेगा 5 केजी पीछे छूटेगा तो उसको आगे खींचेगा काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है 10. 5 केजी के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है 10, एक्सेलरेशन 10 बाई 5 2. नहीं आया यहां, ये आगे बढ़ा 5 केजी पीछे छूटा, फ्रिक्शन ने आगे पकड़ा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा 10, एक्सेलरेशन ए डैश मान लो, ए डैश इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो यही हुआ, ये तेजी से भाग रहा 2.5 से, ये पीछे पीछे आ रहा. इससे ज्यादा इसमें कोई सवाल बन ही नहीं सकता, इससे ज्यादा ये होता है कि यहां पे म्यू एस दे देगा म्यू के दे देगा, तो आपको वहां पे थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो तो म्यू एस लगाओ, ठीक है, जब चलने लगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू के लगाओ. इससे ज्यादा आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम में और कोई सवाल नहीं मिल सकता, तो ऑल द वेरी बेस्ट, इसके सारे सवाल अब आप बुक से सॉल्व करिए.